आज क्या मैसेज गया है, ये सवाल सबके जहन में। 2014-2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करने के वाराणसी पहुंचे थे, तस्वीरें सबके जहन में वो ताजा हूं। 2024 में भी उससे ज्यादा जन सैलाब आज वाराणसी की सड़कों पर था, जहां लगभग 5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चला। लेकिन रोड शो के बाद असली मैसेजिंग शुरू हुई पब्लिक के बीच। अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव के दर्शन के लिए पीएम मोदी पहुंचे, साथ में सीएम योगी भी थे, तो हिंदुत्व की एक पूरी लहर का संदेश पूरे भारतवर्ष में गया और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। और कहा यह भी जा रहा है कि वाराणसी से दिया गया मैसेज सीधा हिट कर रहा है रायबरेली, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह रायबरेली में मौजूद थे। और यह कहा जा रहा है कि 2019 में जैसे अमेठी का किला ढहा, इस मैसेज के बाद 2024 में कांग्रेस पार्टी का, गांधी परिवार का, रायबरेली का किला भी ढहने जा रहा। पूरी समीकरण क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। माथे पर त्रिपुंड, देह पर पीत वस्त्र और मंत्रोच्चार के बीच बाबा विश्वनाथ की देहरी पर शीश नवाए बैठे थे हिंदुस्तान के प्रधान। तीसरी बार वाराणसी से नॉमिनेशन करने पहुंचे पीएम मोदी ने बाबा की आराधना की। गर्भगृह में जब पीएम मोदी देवाधिदेव की अर्चना कर रहे थे, तब पीछे बैठे थे सीएम आदित्यनाथ योगी। महादेव की पूजा करने के बाद जब पीएम मोदी बाहर निकले, तो बाहर खड़े काशीवासियों का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। बाबा के दरबार में पहुंचने से पहले भगवा राजनीति की मौजूदा पुरोधा समर्थन मांगने सड़क पर निकले थे। जीत की हैट्रिक लगाकर सत्ता में वापसी की प्रतिबद्धता बार बार दोहराने वाले हिंदुस्तान के पीएम बीच सड़क पर हाथ जोड़कर आगे बढ़ रहे थे और दोनों ओर खड़े समर्थकों का उत्साह अति पर था। सियासी हवा का रुख अपने हिसाब से मोड़ने में महारत हासिल कर चुके पीएम मोदी यूं तो काशी की धरती पर थे, मगर वो यहीं से पूरे पूर्वांचल या कहिए कि यूपी और बिहार की उन तमाम सीटों को साध रहे थे जहां पर अगले फेज में वोटिंग होनी। ये दृश्य इसलिए भी है क्योंकि राजनीति का रट्टा मारने वाले जानते हैं कि चुनाव के बीच पीएम मोदी के बनारस आगमन का मतलब सियासी तौर पर क्या होता है, कैसे उनके काशी की सड़क पर उतरते ही हवा बदलने लगती है। 2014 के चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल में 27 में से 25 सीटें मिली। 2017 में यूपी विधानसभा के दौरान पीएम मोदी 3 दिनों तक काशी में थे और 40 सीटों पर बीजेपी को फायदा हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग से ठीक पहले मोदी 2 दिनों तक काशी में रुके और एनडीए को 21 सीटें मिली। फिर जब 2022 का चुनाव हो रहा था, पूर्वांचल में रुख बदला सा था, मगर आखिरी दिनों में पीएम मोदी बनारस में रुके और बीजेपी को 29 सीटें मिली। ये आंकड़े तब के जब आखिरी फेज के चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी पूर्वांचल की सियासत के इस सेंटर पर कैंप करते हैं, 2 दिनों तक रुक कर वोटर को सीधा भगवा संदेश देते हैं। जाहिर है ये रोड शो उस संदेश की शुरुआत है। पीएम मोदी के इस भगवा रोड शो के बीच लोग जानना चाहते हैं कि इस बार भी मोदी के बनारस प्रवास का असर पूरे पूर्वांचल पर होगा। क्या पीएम का ये मैसेज इस बार रायबरेली और अमेठी तक जाने वाला है? क्या पीएम मोदी ने काशी से रायबरेली और अमेठी को भी साथ लिया? ये सवाल यूं ही नहीं पूछे जा रहे, इसके आधार कई हैं। मसलन यूपी में 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग होनी है, रायबरेली अमेठी में उसी दिन वोट पड़ेंगे। रायबरेली अमेठी पर बीजेपी का पूरा फोकस है। अमेठी का कांग्रेसी किला ध्वस्त कर चुकी बीजेपी इस बार रायबरेली में नई भगवा लकीर खींचने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी का वो पुराना बयान निकाल रहे हैं जो उन्होंने न्याय यात्रा के दौरान बनारसी नौजवानों को लेकर दिया था। बनारस के नौजवानों को राहुल ने ये बातें जिस रायबरेली में खड़े होकर कही, वहीं कांग्रेस के नेता इस दफे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उन्हें चक्र व्यू में खड़ा करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए
शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। ये उसी रायबरेली की बात है जो देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत के सेंटर में, जिसकी सियासत की जड़ में गांधी नेहरू के परिवार का नाम है, जो गांधी नेहरू परिवार का पर्याय है, जहां से इस बार गांधी नेहरू परिवार की चौथी पीढ़ी चुनावी मैदान में है। मेरे परदादा जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक ने अपना राजनीतिक जीवन रायबरेली के खेतों में किसानों के साथ मजदूरों के साथ किया था। आप सोचिए 100 साल पुराना रिश्ता है कि मेरी दो माता थी, एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी। माँ वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। तो अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है। 2019 में अमेठी में पहली दफा गांधी नेहरू परिवार को हराकर नई भगवा लकीर खींचने वाली बीजेपी इस बार रायबरेली से उन्हें बेदखल करने के लिए पूरी ताकत लगा चुकी है। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो भाइयों बहनों। मैं इतना भी कहना चाहता हूं, चलो सोनिया जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, राहुल बाबा या प्रियंका बहन आए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ जिस दिनेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, उनके लिए लगातार गोलबंदी की जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को रायबरेली जिताने की जिम्मेदारी दी गई, बिखरे हुए कुनबे को इकट्ठा करने की कोशिशें की जा रही। अमित शाह खुद रायबरेली जीतने की रणनीति बना रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी रैलियां कर रहे हैं, राहुल गांधी पर जोरदार प्रहार हो रहे हैं, उनकी मंशा को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा किया जा रहा है। पाकिस्तान और रामद्रोहियों के स्वर एक जैसे हो गए हैं। पुलवामा में भारत के जवान शहीद हुए और उस घटना का उस समय पाकिस्तान का एक मंत्री समर्थन कर रहा था और पुलवामा के शहीदों के लिए उस समय पाकिस्तान।